हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इंटेलिजेंट टेस्ट हैं वो किस तरह के होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप उसको बहुत ही कम टाइम में आप उसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो उसमें इंटेलिजेंट सारे क्वेश्चन जो आपके इंटेलिजेंट बेस्ड होंगे और कोई एकेडमिक क्वेश्चन नहीं होगा और कोई दूसरे किसी और सब्जेक्ट के हवाले से क्वेश्चन नहीं होंगे। सारे आपके यहाँ पे इंटेलिजेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसमें लाजिम बात है बेसिक अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स के हवाले से मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ कुछ बाकी जो इंटेलिजेंस के हवाले से जो रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो भी साथ ही होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे कुछ आपको नंबर दिए हुए हैं 62, 31, 34, 17 और 20। खैर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पहले जो पाक नेवी की जो टेस्ट प्रिपरेशन है उस हवाले से मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने बिल्कुल ब्रीफली इनको डिस्कस किया हुआ है। अगर आप ये चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप देख लें तो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, यहाँ के यहाँ मैं ब्रीफली नहीं बता सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा और हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल हाफ इसको लेस कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है 31। 31 के ऊपर आप अगेन 3 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे हो गया 34। 34 को अगेन आप दोबारा लेस कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 पे, तो यहाँ पे आपके पास बचता है 17। 17 पे अगेन 3 प्लस 20। 20 पे आपने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 से, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1, करेक्ट। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे एक बिल्कुल सीरीज ही चल रहा है तो आगे यहाँ पे आपको 60 ही आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो आपके पास सेट है 16, 12, 28, 8, 4 और यहाँ पे आगे डैश है, तो यहाँ पे आप 2 सेट बना सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह 2 सेट बना सकते हैं इन तीनों का और इन दोनों का। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा फिगर है, इसके बाद थोड़ा छोटा, इसके बाद बहुत बड़ा। तो यहाँ पे पहले फिगर थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड नंबर पे थोड़ा छोटा है और थर्ड पे बहुत बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मुमकिन आंसर 4 और 2 तो होने से रहा और 40 और 12। अब 40 और 12 किसी तौर पर भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 16 और इसको आप 12 को जमा कर ले तो 28 बनते हैं, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को जमा कर ले तो यहाँ पे 12 ही हो सकता है। फ्रेंड्स आपको मैं एक बार और बता दूँ, अगर आपने बिल्कुल डिटेल में देखना है ये चीज़ें, बिल्कुल आपने डीपली जानना है कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप मेरी मैथमेटिक्स की दूसरे वीडियोज देख लीजिए, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ ये चीज़ें, आप उसको देखिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा वरना फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 17, 35, 72, 147। और यहाँ पे आपके पास अगला है डैश, तो 17 दूना यहाँ पे बनते हैं 34, 34 एक 35, 35 दूना 70, 70 पे 2 72, 72 दूना ये आपको बनेगा 70, 141, 144। 144 के ऊपर आपने 3 लगाया और 147, अगर आप 147 को जमा कर ले 2 से तो यहाँ पे हो गया एक, तो 200, 245, 90, 94, 194 के ऊपर आप 4 लगा दें तो ये बनेगा 298, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेक्स्ट 2 नंबर इन द सीरीज। यहाँ पे आपके पास है 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8 और 6, तो यहाँ पे आप एक सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। यू सबसे पहले आपके पास है 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे आपके पास होगा ऑफकोर्स 9, तो दूसरा सीक्वेंस आपके पास चल रहा है यहाँ पे 3, 4, इसके बाद 5, अगेन 6, तो यहाँ पे होगा आपके पास 7। 9 और 7 जो आपका आंसर होगा वो आपका सही होगा, यहाँ पे आपके पास ए सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट नंबर कम्स इन द सीरीज, तो यहाँ पे आपके पास अगेन यहाँ पे नंबर है 13, 15, 17, 19 और 21। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रहा है, सबके बीच में 2 की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपके पास आंसर होगा 23। यहाँ पे अगेन आपके पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट है 4, 12, 36 और 108। तो यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया हुआ है, 3 के साथ आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 × 12 = 12, 36, 36 × 108 को अगर आप 3 से ज़रब दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 × 24, 3 × 3, तो यहाँ पे आपके पास होगा 324, यह आपके पास आंसर सही है 324। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज, 20, 25, 23, 28, 26, 31, 29, 30। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने की है, 5 इन्होंने प्लस करा है और यहाँ पे 2 लेस, फिर 5 प्लस 2 लेस, 5 प्लस 2 लेस, अगेन 5 प्लस और यहाँ पे क्या होगा 2 फिर लेस होगा, तो आपके पास आंसर होगा सी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई इज टू एरोप्लेन एज सेल इज टू, तो आपके पास ऑब्वियसली आंसर होगा शिप। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज टू डॉलरेट एज इडियट इज टू, तो आपके पास आंसर होगा क्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंस इज टू फ्लावर एज डैश इज टू ओवन, तो यहाँ पे आपके पास आंसर होगा हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट इज टू वेजिटेरियन एज डैश इज टू ट्यूटलर, तो यहाँ पे आपके पास आंसर होगा लिकोर। यहाँ पे ट्यूटलर कहते हैं किसी किस्म की अल्कोहल चीज कंज्यूम ना करने वाले को, तो यहाँ पे लिकोर कहते हैं शराब को है, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा जा रहा है। एक तो मीट हो गया, मीट गोश्त वेजिटेरियन, वो लोग जो गोश्त खाते ही नहीं सिर्फ सब्जी खाते हैं तो उनको कहते हैं वेजिटेरियन, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट चीज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ट्यूटलर हम जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिकोर ही होगा अपोजिट बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री इज टू इम्प्रेशन एज फॉरगिव इज टू, तो यहाँ पे आपके पास आंसर होगा पनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, वट रिलेशन एम आई टू यू, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ब्लड रिलेशन क्या वाले से मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। मैं इंशाल्लाह सारे वीडियोज़ की जो लिंक है यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ये चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी क्योंकि उसमें बिल्कुल ब्रीफली बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर होगा निफू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ संडे डाउन 3 डेज बिफोर यस्टरडे, व्हाट डे विल डाउन 2 डेज आफ्टर टुमारो, तो यहाँ पे आपके पास आंसर होगा ट्यूजडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट ए सन, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी एंड ए, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप बस थोड़ा सा इसकी लॉजिक को आप समझिए। ए जो है बी का बाप है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो क्या होगा, ऑफकोर्स बेटी होगी, जब ए इसका बाप ही है बेटा नहीं है तो बेटी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे ये तीनों ऑफकोर्स लिस्ट में ही होगा क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम अटेम्प्ट करता है और वो फेल हो जाता है, तो ये तीनों एक ही कड़ी की है, एक ही खेत, सॉरी आप कह सकते हैं एक ही खेत की बोलिए, तो क्योर ये कहते हैं इलाज को, तो ये बिल्कुल अलग से है, तो ये आउट ऑफ रेस्ट होगा यानी ये इस लिस्ट में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट में बफलो, हॉर्स, गोट, गोट और काउ, यहाँ पे अगेन ये तीनों लिस्ट में रहेगा जबकि हॉर्स बाहर होगा, क्योंकि हॉर्स कि हम गोश्त नहीं खाते, बाकी तीनों के हम गोश्त खा लेते हैं, एक ये रीज़न है, ये रीज़न हम दे सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि इन तीनों के ऊपर वाले जबड़े पे सामने वाले दांत नहीं होते, बफलों के भी, गॉट गॉट के भी और काऊ के भी, तो जबकि हॉर्स के दोनों साइडों के दांत भी होते हैं, इस वजह से वे तीनों से ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको इस हवाले से एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इस तरह के जो सेट के क्वेश्चन हैं वो मैंने
एक और वीडियो में बताया हुआ है बिल्कुल डिटेल में, एनिमल साइंस के नाम से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पाक नेवी के लिए बनाया था। सेम यहाँ पे भी उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगा, एटलीस्ट कि आप अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इथियस, गॉडली, होली, पेवस, तो यहाँ पे गॉडली कहते हैं खुदा परस को, यानी जो खुदा के आगे झुकते हैं या खुदा को मानते हैं उनको कहते हैं गॉडली। होली, होली अगेन ये रिलीजियस वर्ड है जिसे आप कॉमन यूज करते हैं, होली कुरान, होली प्लेस, जिसे आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे हम कॉमन इंग्लिश में हम नाम यूज करते हैं होली प्रॉफिट, या होली प्लेस, होली कुरान, इस तरह ईसाई भी कहते हैं होली बाइबल। ये सारी चीज़ें क्या है, होली वर्ड जो है ये भी तकरीबन रिलीजियस से, मतलब रिलीजियस के हवाले से ही है ये होली भी। और पेवस, पेवस कहते हैं परहेजगार को, जिसे आप परहेजगार मुत्तकी कहते हैं उसको कहते हैं इंग्लिश में पेवस। तो ये तीनों वर्ड लिस्ट में है, जबकि एथियस, एथियस वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस दुनिया में आ रहे और जा रहे, ना कोई खुदा है, ना कोई पैदा करने वाला, कुछ भी नहीं है, जो आपकी समझ में आ रहा है वही चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, जो आपकी समझ में नहीं आता चीज़ें वो दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इनका ये नज़रिया है। तो एथियस यहाँ पे इस लिस्ट से बाहर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बॉक्स इज कोडेड एज सी डी पी क्यू वाई जी हाउ वुड यू राइट कोड इन कोड, तो यहाँ पे इस तरह की जो मैंने वीडियो अभी तक बनाया नहीं, अगर आप ये सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 20 है इसके ऊपर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत हो रहा हो तो, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट ये मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इस तरह के दो तीन ज़्यादा दो तीन क्वेश्चन होंगे ये मैं इंशाल्लाह आपको यहीं भी समझा देता हूँ। तो आपने क्वेश्चन का पहला हिस्सा देखा कि आपने ये डिसाइड नहीं करना है कि यार यहाँ पे कोई चीज़ आपका आंसर आ रहा है, आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है पहले और इसके बाद आपने समझना है क्वेश्चन किस तरह का है और आपने कैसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे बॉक्स को जो इन्होंने कोड किया है वो इस तरह किया है, तो बी यहाँ पे अगर आप देखें ए बी सी, ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ ए बी और सी, तो यहाँ पे बी के बाद जो अल्फाबेट आ रहा है सी, तो इन्होंने यहाँ से ये लिया है और फिर लिया है इसके साथ डी को, इसके बाद ओ के बाद आ रहे पी, तो उन्होंने पी को लिया है, इसके बाद उसके बाद जो आ रहा है अल्फाबेट उसको लिया है क्यू, आखिर में लिया एक्स, एक्स के बाद क्या आ रहा है वाई, ठीक, वाई के बाद अगेन क्या आ रहा है जी, ठीक है, अब आपके पास क्या है कोड, अब कोड सी, अब सी के बाद आपके पास कौन सा अल्फाबेट आ रहा है डी, डी के बाद क्या होगा अगेन ई होगा, इसके बाद आ रहा है ओ, ओ के बाद लाजवाब फिर ये आप रिपीट करेंगे यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, इसके बाद ए, ए तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल अलग सा है टॉप पे, तो ए के बाद क्या आ रहा है बी और सी, ओके, इसके बाद एंड में आपके पास टी, यहाँ पे टी, टी के बाद आप क्या आ रहा है टी के बाद आपके पास आ रहा है यू और वी, ठीक है, यू और वी, तो यहाँ पे आप ये आंसर फाइंड करें डी ई पी क्यू बी सी यू वी, तो यहाँ पे आपके पास डी ई पी क्यू बी सी यू वी, ये आपके पास आंसर सही होगा नंबर एक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकें। पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर करें ताकि इससे यार मेरा हौसला अफजाई होता है कसम से, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। बहरहाल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हों जो ये टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और हाँ यहाँ पे अगर आपको किसी भी किस्म कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूँगा, अगर वहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो इसके लिए मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना दूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।